नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे मशीन के अंदर ऊपर की सिलाई खराब आती है, कपड़ा ऑटोमेटिकली अपने आप आगे नहीं कर सकता, इसकी कई कारण है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि पूरा वॉचिंग करके देखिएगा कि इसकी क्यों क्या कमी होती है। सबसे पहले हम इसकी ये प्लेट है, इसको भी चेंज करेंगे। इसके बाद में ये जो डब्बी है, देखिए इसको निकाल लीजिए, सुई को ऊपर कीजिए। कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको नीडल्स और धागा नया टूटने से नीचे से ये बोबिन को हमने निकाल लिया है। अब ये ऊपर की प्लेट है और इसके बाद इसके नीचे फुट है, इन दोनों को मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सेट होता है। ये देखिए, यहाँ दो नट होते हैं, एक आगे था वो खोल लिया हमने, एक ये पीछे वाला। ये दोनों नट आ गए, इसकी स्पेयर को ऊपर उठा दो, स्पेयर को भी खोल लेते हैं अपन। इसको उतार के एक बार साइड में रख देते हैं, इससे अपने काम में आराम रहेगा। यह है पैर मशीन का, ये प्लेट जो मैं बता रहा था आपको वो है, इस प्लेट को हमने ऐसे निकाल लिया, इसमें भी बहुत कचरा है। और ये प्लेट निकालने के बाद में ये होते हैं इसके फुट, जो आगे पीछे देखिए, ये आगे पीछे जो चलता है मशीन इसी के ऊपर काम करती है, इतना आगे आगे पीछे ऑटोमेटिकली जाता रहता है, जिससे ये कपड़े को पीछे फेंकता रहता है जैसे चलते। इसको भी खोल के, ये नीचे सेटल है ही, आपने देखा है मेरे पीछे वीडियो। इसे कचरा आ जाता है, रिपेयर गैस भी जाते हैं, इसको वैसे हम इस मशीन को नीचे से साफ कर लेते हैं, इसको कभी कभी इसको खोल के सफा करना पड़ता है कि ये कचरा ये अंदर जाएगा। इसमें आपका जो किया कचरा आने से रंग करता है लेकिन टाइट हो जाता है और ये कपड़े को आगे नहीं फेंकने देता और कसता रहता है। ये देखिए दोस्तों, इसके पैर है, इसके अंदर आप हाथ फेरेंगे, हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर दांते दांते हैं, तो ये कट लगा हुआ है, इसमें गैप पूरा है, ये घस जाते हैं तो नहीं तो ये कपड़ा फेंकते। तो इसको ये दो नट खोल के और इसको आप दूसरा बाजार में मार्केट में अवेलेबल मिलता है ला के दूसरा सेट कर सकते हैं। दूसरा लगाने से क्या होता है कि ये इसके अंदर जो दांते हैं ये कपड़े को पीछे फेंकने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये धागा पीछे कर दिया, अब इसकी सिलाई निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, आराम से चलेगी।
ये देखिए ये क्लियर सिलाई आई है और साफ सुथरी और सही तरीके से दोनों साइड से, कोई भी शिकायत नहीं रही इसमें। इसलिए आप मशीन को इस हिसाब से चेक करके और सही कर लीजिए घर पे और बराबर सिलाई सही चलाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मेरे वीडियो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए नए टिप्स मिलते रहेंगे मशीन के अंदर। बहुत से पार्ट्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स में, हर पार्ट्स के बारे में आपको बताता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।